उठाई है बंदूक तो फिर अब सोच कर तू क्या पाएगा, दुनिया की ऐसी की तैसी, डोंट वरी साला, जो होगा देखा जाएगा। इस देश में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है, बाकी त्योहार तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये 5 साल में एक बार आता है। त्योहार हर पर्व की तरह यह भी जीत के बारे में होता है, देवताओं और राक्षसों के बारे में होता है। जब से भर दिए हैं पर्चे सबको आना जाना खर्चा, जब से भर दिए हैं पर्चे सबको आना जाना खर्चा, जब से भर दिए हैं पर्चे सबको आना जाना खर्चा। समाज का नियम है कि विजेता ही सही होता है, चाहे वो कानून मानने वालों का समाज हो या कानून तोड़ने वालों का। चुनाव की जीत ही राक्षस को देवता बनाती है और उसे आज की सबसे बड़ी ताकत देती है, राजनीतिक ताकत। बदली बदली सी है भाषा, सबको कहते भैया चाचा, बदली बदली सी है भाषा, सबको कहते भैया चाचा। गाली दे के बुलाते थे नाव रे, आया चुनाव रे, हाँ उसकी बदला है कैसा गांव रे, आया चुनाव रे, आया चुनाव रे। चमचे देते हैं कितने सुझाव रे, आया चुनाव रे, हाँ उसकी बदला है कैसा गांव रे, आया चुनाव रे, हाँ आया चुनाव रे, आया चुनाव रे, आया चुनाव रे, Yeah.
छोड़ दो भैया लोगे। चल रहा है यहां मादार चौदो साला कारे जिंदा है बेटी चौथ काहे मारा इसे इतना। इस सारे केवटों के लौंडे दिन भर हमारे गांव की लड़कियों का पीछा करते हैं और रात में चोरी चकारी करते हैं। छह सात क्या कहेंगे दरोगा साहब, यही एक हाथ में आया। अरे किसने कहा था बेटियों की फसल पैदा करो, लौंडे पैदा नहीं होते तुम नामर्दों से। कितने की चोरी किया था रे? 67 रुपए। 67 रुपए साले। ना तो ये जवानी के एटम बम फूटने का मामला है, ना ही चोरी चकारी का। ये तो हरामजादों, तुम सबकी जातिगत लड़ाई है। केस तो बनेगा, केस तो तुम सब पर बनेगा माधर चौधो, तुम सब पर बनेगा। बहुत मारा है। अपनी बिरादरी के मुखिया और बुजुर्गों को लेकर थाने में आ जाना, समझे? अब इसका क्या करें? तोहर अम्मा का फिनाल थिकारे है, बाप तो बहुत बड़ा लड़चट है राजा साहब का, आया नहीं है? आया नहीं तोहर जमानत खातिर। बिरादरी का मुखिया भी है, कहलवाया था मैंने, उसके बावजूद भी कोई नहीं आया, कोई तेरा हालचाल लेने नहीं आया। नाजायज औलाद है काबे। हाथ पांव से तो बड़ा मुस्टंडा है। नहीं करते हम का तकलीफ नहीं होने देंगे, समझा कर। बस करो पुलिस बाबू। कौन है बे भोसड़ी वाला,
लोचन, लोचन सिंह यादव। अरे लोचन भैया, आइए आइए। थोड़ी सी मर्दानगी भौजी के लिए भी छोड़ दीजिए। गोंडा से जिला बेदखल किए गए तो त्रिपाठी जी ने आपकी सेवा में भेजा है। संदेशा मिला कि नहीं? हाँ मिला मिला। एक मिनट है, जरा हम अभी आते हैं। पहना ये कपड़ा उपड़ा। बचा लो लोचन भैया, आपका बचा लो लोचन भैया, आपका बचा लो लोचन भैया, बचा लो, बचा लो भैया, आपका बचा लो लोचन भैया, कहीं तो बचा लो। हमारे रहने का बंदोबस्त कहाँ किया है पुलिस बाबू? गांव से थोड़ी दूरी पर एक घर है, आपके लिए वो अच्छा रहेगा, और खाने और दारू का इंतजाम मेरा हवलदार रोज कर दिया करेगा। ठीक है, इसे ले जा रहे हैं अपनी सेवा के लिए। लेकिन लोचन बाबू, चुप! न कोई जुर्म है ना रिपोर्ट, अपने लिए कोई कुत्ता बिल्ली या भैंस बकरी ढूंढ लेना, चाहिए ना तुमको? चला लौंडे, चाबी लीजिए। इसलिए नहीं बचाए तुमको कि दया आ गई, और ना ही इसलिए बचाए हैं कि इसका दर्द मालूम है। वो तो पुलिस वालों से नफरत है हमको। हरामजादे अपनी मां के भी नहीं होते। सुन लौंडे, अगर चांद से सर उठा के जीना है तो अपने नाम के आगे डर जोड़, भय जोड़, आतंक जोड़। टट्टी रुक जाए लोगन के तुहार नाम सुन के, के लिए कोई बड़ा काम कर। ये छोटे मोटे काम से कुछ ना हो पाई। अपन गांव बिरादरी में जो अगुआ है, शक्तिशाली है, ओके गिरा, ओके सत्ता हिला, नहीं तो ये संसार जिए न दे। पंचायत के मुखिया के मारे। कौन है बे? हमार बापू। हराम की औलाद है रे। मार चोट। हराम कौन? और मार हराम जाते। मार। सच चीहे है। तोहार बाप नहीं है हम। जो असली बाप के सामने तो हक देवे। हाँ। कौन है असली बाप? और मार दे चोट। कौन है? राजा साहेब। और मार अपनी अम्मा को भी। हाँ। वो जाती थी हवेली में खाना पकावे और पका के लाई तुमका। बादर चोट, तू काय बेइज्जत करे हमारी अम्मा को? अरे वो राजा साहब का कौन है, गलती नहीं। अरे वो तो मरद आदमी है, वो तो भाग सकत है, पर रंडी साली तुम्हारी अम्मा निकली। अम्मा बादर चोट, बादर चोट, मार पर साले, मार बादर चोट, रोज मारेंगे तुमको। मार अपनी अम्मा के खसम को मार। हमने भी बहुत मारा है उसको। हाँ, दिल दिल के मारा है साली ससुरी को। बहुत बदला लिया है साली से। सबको जाना पड़ता है बोला, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो लोचन सिंह यादव को याद करना। जिला टॉप बॉल है। एक जगह आउट 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 आउट। फिर से बोला भैया, फिर से जाएगा जाएगा। मिली मिली भाई, चुप नहीं कराए और आउट है। बोल रहे हैं, चल मिली 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 जाएगा जाएगा जाएगा। बोला भैया जाएगा जाएगा। रिमोट ले
लंडे सो चुतिया हो काबे नहीं देखा आउट रे हैं लंडे हैं अंपायर साला ये आई लल्लन टॉप बॉल आउट अभी दिखाई नहीं देता का आलू बबलू है तेरी मैं आउट है लंडू बा में बुरा क्लियर आलू बबलू नहीं दे रहा है कोई बात नहीं कॉल भी हटा के देखना आपकी आज तक का लोग ना का साला आउट नहीं दे रहा है हैं क्या कहते हैं करते हैं जिंदगी भर के रियल ले बॉल दो तालों में नैनी ताल बाकी सब तले आवारगी है पल पल हो आवारगी है पल 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 लपंगई और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई जीते हैं ठाट बाट से करके दबंगई और शॉर्टकट में इसको और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई 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 खोल के निकाल के बाहर मारेंगे तो लाइन की बजाता हुआ आएगा लाइन मत तोड़ो नहीं देखो हो साले अकेले बकाये ठोका तुम्हारी मैया की घोसड़े के ऐसा ठोकेंगे कोई लहास उठाने नहीं आएगा लोचन सिंह यादव नाम है हमारा अरे अरे लोचन भैया अरे भैया लोचन हम भोला अरे लोचन सिंह भोला है भोला क्यों भैया अरे नाम सुनते ही गांड पड़ के बुलंद अरे, अरे ग्राम लहरिया थाना कैसरगंज पोस्ट में आओ जिला मिर्जापुर अरे भूल गए क्या भैया थानेदार से बचाए थे रे आप जिला में दखल किए थे रे भोला 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 क्यों अरे भोला क्यों भैया साले भोला अबे साले दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली हम तो पहचाने नहीं बे अबे चोट तो नहीं लगी ना नहीं भैया चल हे क्या देख रहे हो बे एक आध तमाशा लगा रखा देखा नहीं हमारे भैया अपना काम हम करो हैं चल पूरा कुछ ठंडा हो गया अरे अरे नहीं भैया ऐसे ही मरद लग रहा है मरद हैं क्या कर रहा है आजकल अब क्या कहते हैं वो हाँ बोलो क्या बात फोन दो जरा लोचन सिंह यादव बोल रहे हैं रपट वपट नहीं कीजिएगा हम आके मामला रफा दफा करते हैं सुन अर्जेंसी है नंबर लिख ले हमारा ए सर कलम दे लिख 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 जल्दी लिख 9444555554 फोन करके मिलना हमसे हाँ भैया सलाम वाह चलो इसी तो फिर भी पिक्चर देखते हैं टिकट बाबू 3 बालकनी आगे की सीट खाली ईश्वर की कृपा से यह आखिरी केस था तुम्हारे खिलाफ अब कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं बचा अब बदलते हुए परिवेश के साथ अपनी छवि को बदलना आवश्यक है का मतलब क्या होता है सारे बता बता
राजनीति में मीडिया की दखलंदाजी। साहब, इंजीनियर साहब मर गए। दिमाग क्या रंडी की में छोड़ाते हो? तेरी माँ की। एक बात बताइए भैया, ये लोचन भाई की आप कितना खास आदमी है? देख भैया, कहते हैं मर्द बनने के लिए दो चीज आना चाहिए, एक है कंडोम चढ़ाना और दूसरा है बंदूक चलाना। ये दोनों लोचन भैया हमको सिखाए हैं। तकाए ने उनको कहते हैं कि आपको त्रिपाठी जी की गैंग में शामिल कर लें, कहिए उनको कि कोई बड़ा काम दें। ठीक है, मौका देकर बात छेड़ते हैं। ई भैया, ई रेडी हो गया। क्या लिखा है साला? इनो खोल दिया है। देखिए भैया, ई है पम, इसको अंगूठा से यहाँ दबाते हैं और ई पिन को ऐसे खोलते हैं। ये हमको दिखा ना। अरे रुको, रुको ना, अरे दिखा ना, दिखा ना, अरे फट जा, अरे अरे बंद करो। अरे ये तो फुसफुसिया निकला। गुल्लू भैया कैसा लेकर आए थे? अरे पुलिस वाला लोग भी साला नकली माल रखता है। हो लगता है बात सबको पहले मालूम है, हां इसीलिए कोई पुलिस से डरता ही नहीं, हमें नहीं मालूम। चल बे, चलिए सही है, सही। ए चल सारे, नहीं चल, हराम खोरी में लगे रहते दिन भर। चल हेलो भैया, हम भोला, नमस्ते। अरे भोला ससुर, नमस्ते कर रहा है, आपसे मिलना था भैया। अच्छा, हाँ तो इतवार को आ जाओ वहाँ भट्टे पे भदोई में। भैया पता बताएंगे? बस ससुर पता बताएंगे, अबे किसी से ही पूछ लेना वहाँ आके। हैं? हाँ हाँ ठीक है भैया, हम आ जाएंगे सर। ए, खुल गई किस्मत, लोचन भैया ने बुला लिया। बात हो गया। जय हो बाबा। बहुत धन्यवाद भैया। चलो मेरा मोबाइल। चलो भैया चलिए। तुम्हारा मोबाइल? हाँ तो ये सर जो जरा बताओ क्या लिखा है इस पे। भैया नोकिया लिखा है। अबे तुम्हारे बाप का नाम है नोकिया? अम्मा तुम्हारी जापान गई थी? ए, चल बे पकड़ उसको। ए हेड ऑफ, चल चल चल, बैठ 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 बैठ। बोला इतने दिन के बाद तू मिला है ना, बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। और साला क्या ठाट बाट बना लिया है रे, एकदम ड्रेसिंग वेसिंग जैसे। एकदम जींस का पैंट, टी शर्ट, साला बड़का वाला जूता। लगता है कौनो ठाकुर ब्राह्मण का लड़का। और भाई कहाँ है ना खर्च करे? बहुत पैसा कमाता है तो खर्च करेगा ही ना। लौंडिया लोग भी तो यही सब देख के आता है। अच्छा एक बात बता, अब तक तो कितनों को ठोका है? क्या भैया, हमसे ये सब होता ही नहीं साला, हम तो समझे नहीं पाते। हम तो पैसा देकर टिकट कटाते हैं और सवारी चढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खा भाई। नहीं भैया बस हो गया हमारा। भैया भैया आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल लोचन सिंह बहुत बड़ा आदमी बन गया है, दो दो लारी है, दो दो लारी हमारे नाम पे। ये भी टैक्स भरते हैं, नेशनल परमिट है, नेशनल परमिट। लेकिन ये सब हमारे साहब का है, त्रिपाठी जी। हम उनके नौकर हैं, उनके वफादार हैं, उनके हथियार हैं, उनके शूटर हैं। भैया क्या हम भी शूटर बन सकते हैं, त्रिपाठी के गैंग में शामिल हो सकते हैं?
ठीक है भैया, हम चलते हैं भैया। रुक, अरे सीआई गए का, हम कल साहब से बात करेंगे, लेकिन वहां सिर्फ एक ही किस्म का आदमी चाहिए, जो बहादुर गोली चलावे में जाकर गांड ना फाटे। साहब जहां कह दें गोली चला मां के लाल, तो गोली चला सके, जान ले सके। भैया आज माले, वक्त आने पर हम अपनी जान दे भी सकते हैं। क्या जरूरत नहीं, अरे उसके लिए अब सरकार गवर्नमेंट बहुत बॉडी गार्ड दी है। हम कल ले चलेंगे तुमको साहब के पास। शाबाश, पकड़ पकड़ लोचन मेरे बच्चे। कुछ थे लड़वा, जड़ा हुआ लिंग निकला सर। ना ही लोचन, जुझारू है। जात का है तोहार? केवट। भोला माझी नाम है सरकार। मिलावट लगती है भोला तोहरे खून में। कल सुबह बताएंगे, हमारा इंतजार करना। कुछ खावा के नहीं आए थे का? ये रही बंदूक। लेकिन एक बात याद रखना बोला, ये पकड़े के बाद बाकी सब छूट जाएगी। सब अगली सीट पे बैठा है भाई तरफ, सब के सब शराब के नशे में धुत हैं। ठोक दे, जरा भी हिचकिचाना नहीं, जरा सी चूक जान का खतरा बन सकती है। जा, हम बैठे यहाँ, जा, जा, जा। बहुत सीढ़ी तुम्हारी वजह से मारे जाते आज।
जात मारो भैया, जात बट और मारो, बट बट सारे जात, जात बट मारो भैया और मारो, अरे साले कान में दम नहीं था तो बंदूक क्यों उठाई साले, मार दे भैया, ठोक दे, साले ठोक देंगे सब के सब खोपड़ी में, मारो भैया मार दे आपका, दबाए दो भैया ट्रिगर, कोड़ा दबाए दो भैया, मारो भैया। रोशन सिंह यादव की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम जैसे बेटी चोट की वजह से चली जाए। प्रणाम साहब, प्रणाम। आपको क्या लगता है स्वामी जी, इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? माहौल तो कुछ साहब, लोचन सिंह यादव के लिए ऊपर से बड़ा दबाव है साहब। देखो बेटा, तुम दोनों ही मेरी आंख के तारे हो, जैसे मैं उसकी रक्षा तुमसे करता हूं ना, वैसे ही तुम्हारी उससे। धैर्य रखो, वो देखो पीछे वहां बैठा है, अरे हलो तो कर लो। लोचन सब ठीक बा? पुलिस बाबू चकाचक। सरपंच वाले मुकदमे में कितने गवाह हैं? एक उसका छोटा भाई। तो काहे चिल्ला रहे हो उसको, खत्म करो। और एक बात, पप्पू चौधरी का भी समय आ गया है, लेकिन ऊपर से नीचे तक तुम्हारे हाथ सने हैं, उस नए लड़के से कराओ। लेकिन वो किसी काम का नहीं। कर गया तो ठीक, नहीं तो कौन से अपनी गांड पर हमारा पता लेके मरेगा, कोई जानता भी नहीं उसके बारे में। ठीक, जाओ। प्रणाम। एक झांट भर के ट्रिगर को दबाने के लिए न जाने कितने जन्मों की इच्छा शक्ति लगती है। जब कलम पकड़ने का टाइम था तब पकड़े नहीं, और जब बंदूक पकड़ने का मौका मिला था तो हमारे लीडर की गांड फट गई। बोला कर जा। बोला जिंदगी में दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता। तेरी किस्मत बहुत जोर मार रही है, बहुत सिफारिश करके हम त्रिपाठी जी से तुम्हारे लिए काम लाए, खुश कर दे। बोला शंकर है, बोला शंकर खुश हो गए तो सुन, गुमनामी कायरता और गरीबी की ना तो जिंदगी अच्छी और ना ही मौत। वीर भोगे वसुंधरा कर जा फोसड़ी के। भैया पप्पू चौधरी कहाँ मिलेगा? बोला भैया, एकदम ताजा लाश मिला। बोला भैया, आपकी आज तक की सारी फोटो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब भूला के बट
सिर्फ एक नाम। बासी बस्ती रुदौली सिद्धार्थ नगर यार वार चलो आगे। पप्पू भैया अब तो पूरे शहर में सिर्फ आपके ही नाम का डंका बज रहा है। राजा साहब, विक्रम सिंह, ये सब आपके ही दम पे उछलते हैं। अब बचा साला वो कुकुर मुत्ता त्रिपाठी, उसको भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं भैया, लेकिन उसका धर्म भ्रष्ट करके मूत पिलाएंगे साले को चमड़े के जूते में। पप्पू भैया नमस्ते। नहीं नहीं नहीं, किसने मारा मालूम करो। नशा होता है, भोला और लोचन का नशा उतरने ना पाए। वसुंधरा जिंदाबाद त्रिपाठी जी, जिंदाबाद त्रिपाठी जी, जिंदाबाद त्रिपाठी जी। मूलचंद चल वहीं पे। ए चौधरी तू जा, और पांडे उसके बाद तुम जाना। दस चौदों को बर्दाश्त ही नहीं होता है, अनु मिलेगी नहीं लौंडिया माधर चौदों को। गोली चलाने बोला तो नाने मरे लागत। सोच लीजिए त्रिपाठी साहब, ये काम करने के लिए और लोग भी तैयार हैं। पैसा आता है, सबको पता है पैसा एसआई का है। अब त्रिपाठी एक जिम्मेदार राजनेता हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह का काम करते हैं वो भी एक तरह का आतंकवाद है। ये तो व्यापार है स्वामी जी। अब जाने दो ना रियाजुद्दीन इस बात को। त्रिपाठी जी, ये भोला केवट का नाम बहुत सुन रहा हूं मैं आजकल, मिलवाएंगे नहीं उससे? हाँ त्रिपाठी, बुलाओ उसे, इनसे भी मिलवाओ। भोला, ये हैं हमारे मित्र मिर्जापुर के बाहुबली सांसद तनवीर खान साहब। पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जानता है इन्हें।
और ये है नेपाल के सांसद रियाजुद्दीन साहब। सलाम अलैकुम। अब आगे क्या सोचा है? बोला, हम सोच रहे हैं एसटीटी बूथ खोल लें। हम सोच रहे हैं कि अपनी नौटंकी कंपनी खोले। सर जू हरामी नौटंकी नामी की यूपी में चलती, की एमपी में चलती। भैया एक बात बोले, कल रात जब उस छमिया के साथ खटिया तोड़ रहे थे तो हम लोग छुप के बायोस्कोप देख रहे थे। बहुत हरामी हो साले तुम लोग। अरे चलती बिहार दिन दहाड़े में। अरे छुपे हैं, छुपे हैं सरकार तुम्हारी मौत। पकड़ सारे के हैं, पकड़ सारे के। अरे चलती बिहार दिन दहाड़े में। साले बहुत आरामी हो तुम लोग हैं। लेकिन बड़ी नागिन है साली, एकदम छनमल छनमल करे लिया। एक बात बताए, लगता है आपकी तुम्हारा बाईस को हम ही बनाएंगे। अरे तू भी चला ले ही घोड़ाए बाबू, कम हो अगर पिछवाड़े में। अरे तू भी चला ले ही घोड़ाए बबुआ, कम हो अगर पिछवाड़े में। अरे दम हो अगर पिछवाड़े में, अरे दम हो अगर पिछवाड़े में। अरे तू भी चला ले ही घोड़ाए बबुआ, कम हो अगर पिछवाड़े में। भैया हुआ, मक्खी परेशान किए हैं। मेरी बात को कौन है बेबड़ का गुंडा, मार मदर जात को, मार मदर जात को रे, मार मदर जात को। दारू बटी रगड़म पट्टी मान, मेरी बात को कौन है बेबड़ का गुंडा, मार मदर जात को। अबे का चिप चिप कर रहा है बे, कौनो बिटेनी उटेनी समझाए का? बहुत आरामी है साला। छुटकी दिखा रहा है साला, आपको छुटकी दिखा रहा है रे। बहुत आरामी है, बहुत आरामी है। हाय रे 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 रे। अकेले भेजे हैं बोला को? हाँ, कल के लौंडे पे बड़ा भरोसा हो गया साहब को, मरवाएगा एक दिन। अरे गजेंद्र कहाँ आया? हरे चलता है दुनिया में अब जिसका सिक्का, वो तो है साला बंदूक। खाए खाए मारता है सबको ही ये पता, जात पात सबका मसला सुलझ जाए ये बला। खाए खाए मारता है सबको ही ये पता, सबका मसला सुल जाए ये बला। न रंग देखे रूप देखे सब पे है निशाना, तारे ठाए ठाए मारता है सबको ही ये बता। इस फिरार बेमिसाल उगले है भल में काल, इसको करे दो सवाल, कौन है वो माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल। Ha!
त्रिपाठी की परछाई चार विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने लगी है राजा साहब। अब अपराध की राजनीति में हम अपने आप को हवन सामग्री नहीं बनाना चाहते। हमारे कुंवर लंदन से एमबीए करके आए हैं, उन्हें धरोहर में हम त्रिपाठी जैसे अपराधी की दुश्मनी तो नहीं दे सकते। एमबीए किया हो या पीएचडी, ये सब तो करना ही पड़ेगा। त्रिपाठी बकासुर है, हम उसे छोड़ सकते हैं, वो हमें नहीं छोड़ेगा। भूषण कहाँ है? बैंकॉक में, अगले महीने आएगा। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन राजा साहब, तब तक तो त्रिपाठी हमारी बहुत फसल काट देगा। चिंता मत करो, एक दिन त्रिपाठी की भी फसल पकेगी, तब हम उसे काटेंगे, बस वक्त आने दो। अब डरने को बचा क्या है? जानबूझ के नहीं बचाए तुमको, पर वहां छोड़ भी नहीं पाए। बस बेइरादा नेकी हो गई। भोला केवट नाम है हमारा, मशहूर अपराधी हैं, लेकिन अपहरण और बलात्कार अपनी सोहरत में नहीं जोड़ना चाहते। ठीक हो जाना तो चली जाना। भैया, आज रात कोई विशेष कार्यक्रम है क्या? हाँ, त्रिपाठी जी के लौंडों के लिए विशेष ही है। पढ़े लिखों के लिए फेयरवेल पार्टी और हमारे तुम्हारे जैसे बकलंडों के लिए रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति। पढ़े लिखे? त्रिपाठी के लिए पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं? हाँ, खुद ही चल के देख लेना आज कैसे त्रिपाठी ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। रावण के 10 सिरों में उतनी बुद्धि नहीं थी जितनी त्रिपाठी के एक ही सिर में। चला हो। चल भाई। चल जाइए। कलम वाले बच्चों से यह आशा है कि वे सरकारी महकमों में काम करते हुए भी त्रिपाठी जी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहेंगे। प्रभात पांडे, एसडीएम रसड़ा, विजय सिंह, कस्टम ऑफिसर बहराइच, रवि शर्मा, एक्साइज इंस्पेक्टर जौनपुर। तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी लगता है? कल सुबह घर चल गया ना, नहीं तो पता बता देना, छोड़ के चले आएंगे। चुप कहना।
तू जल्दी बता दे तेरे दिल में क्या है, तू जल्दी बता क्या रे बहुत सड़ी क्या, इतनी बड़ी पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं देती तेरे को, अंधा हो गया क्या? माल छुपा रखा पीछे, चेकिंग करना पड़ेगा है? थानेदार पुट्टू तिवारी को नहीं पहचानता? पुरानी पहचान बताना तो बेकार है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं काशी के घाट पे या तो गंगा जी मोक्ष देती हैं या भोला केवट की बंदूक। भोला अच्छा भैया एक बात बताइए, त्रिपाठी जी के बाकी सेवकों की तरह आपने रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया? ये त्रिपाठी जी ने शादी ब्याह तो किया नहीं है, बुढ़ापे में कोई तो होना चाहिए उनका सहारा, उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, इसलिए हमने आजीवन उनके चरणों की सेवा करने का संकल्प ले लिया है। अच्छा भैया, अगर त्रिपाठी जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया तो? सोच गहरी है तेरी, तू सिर्फ नाम का ही बोला है। अच्छा एक बात बता, हमारे कहने पे कुछ भी कर सकते हैं? आप आज्ञा दे भैया। चार बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, चूको मत चौहान।
किया निशाना। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, दाव पर सुल्तान है, चुपो में चौहान। भैया एक बात बताएं, त्रिपाठी जी इतने बड़े अपराधी फिर भी चुनाव लड़ते हैं, क्या इनके लिए कोई कानून नहीं बना, कोई कोर्ट, कोई कचहरी? साले तुम चूतिए ही हो अभी तक। जब तक कोर्ट का कोई जज ये ना कह दे कि त्रिपाठी अपराधी है और उनको सजा ना हो जाए, तब तक कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और कोर्ट भी एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और जब तक त्रिपाठी चुनाव जीतते रहेंगे, कोई उनके झाट का बार भी नहीं उखाड़ पाएगा। और जब तक लोचन और भोला जैसे चूतिए और बकलन त्रिपाठी के लिए जान की बाजी लगाते रहेंगे, तब तक ना तो त्रिपाठी चुनाव हार सकते हैं और ना ही उनके खिलाफ क्यों कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। ज्यादा पी लिए लगत है आज, चलो। ये कमरों बीच में खड़ी कर दी। कौन है? और ड्राइवर साहब कौन है भाई यहाँ पे? ठीक से देख भास्कर। कोई नहीं है स्वामी जी। अरे तू देख। अरे स्वामी जी, स्वामी जी कौन है? कौन मदर चोदन? अरे का भैया, रोज रोज का झमेला। अरे काहे नहीं, हमारे जैसा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। तू नहीं समझेगा रे भोला, वो का है ना, सब कहते हैं गढ़ता है। हेलो, क्या आ रहे भैया? भैया गजब हो गया। का भैया? स्वामी जी मार दिए गए। का भैया? स्वामी जी मार दिए गए, चलना होगा। समर्थन किसी का भी हो, काम भूषण सिंह का है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ये एसटीएफ वाले भूषण सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं कर देते? भूषण सिंह कोई मामूली हस्ती नहीं है, बड़े बड़े राजनेताओं का समर्थन प्राप्त है उसे। इतना बड़ा काम हम बिना सत्ता के इशारे के नहीं कर सकते। तो हम मार देते हैं उसे। कौन है ये? बीच में बोलता मादर चोट, बीच में मत बोल, ये लो चल ले जाए। हमारे तो हाथ बंधे हैं, लेकिन भूषण सिंह के बारे में एक सूचना है, अगर आपके कुछ काम आ सके तो। ये बीड़ा हमने तुमको दिया, भूषण सिंह को कांधा तुम दोगे। स्वामी जी का बदला लेने के लिए साहब की बंदूक उठेगी, ये बात पूरा पूर्वांचल जानता है। कर पाओगे भोला? अगर गोली के बारूद में दम ना हो तो बड़ी से बड़ी बंदूक बेकार है। चिंता मत कीजिए, भूषण सिंह हमारा बारूद चाटेगा।
भोला आज कुछ भी मांगो। आपका आशीर्वाद। अरे नहीं, कुछ तो मांगो। बस आपका आशीर्वाद। समझ गए, ये तुम्हारी हमारे प्रति निष्ठा और समर्पण है। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। बोला कहाँ जाता? भूषण को मारकर तुमने बहुत बड़ा काम किया। भूषण पूर्वांचल के आपराधिक और राजनीतिक दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। अब इस कांड के बाद तुम सबकी निगाह में आ गए हो, संभल के रहना। भैया आज तक किसी और ने भूषण को मारने की कोशिश काहे नहीं की? की तो, लेकिन कर नहीं पाए। उसके हुलिये के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में सूचना मिलना असंभव था। फिर शासन तंत्र के नेताओं में भी उसकी अच्छी बैठ थी। एक बात बोले। हाँ बोल। अगर हमें भी भूषण के बारे में पहले से मालूम होता तो शायद हम भी उसे नहीं मार पाते। कभी कभी हमारी अज्ञानता ही हमारी शक्ति बन जाती है।
गंगा मैया, लोचन सिंह यादव को त्रिपाठी जी का खून माफ करना और त्रिपाठी जी की आत्मा को शांति देना। हे गंगा मैया, तेरे मुक्ति पापों को सबके हरती हरती जाए। कहते हैं काशी में मरे वाले को सीधा मोक्ष मिला था, तो त्रिपाठी जी को यहीं मारा जाएगा काशी में। इतना नायाब हीरा हमारे खजाने में है और हमको पता ही नहीं। भास्कर, जरा पता तो करो भोला केवट के बारे में। माँ बाप कौन है, कहाँ पला बढ़ा है, जीवन में चाहता क्या है ये? लिट्टी चोखे की दावत के पीछे कोई खास वजह राजा साहब? त्रिपाठी की दुर्ग में एक छोटी सी सेंध मिली है। ए, लिट्टी सही से बोल रहे? राजा साहब का रजोगुण फिर से जोर मार रहा है। चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं हमारे खिलाफ। उनको हमारा एक संदेशा पहुंचाना है। क्या कहना है बताइए, जाके ससुर के मुंह पे बोलाते हैं? नहीं लोचन, दूसरों को भी मौका दो। भोला, तुम अब के तुम जाओगे। राजा साहब की आंखों में आंखें डालकर बोलो। अगर आप क्षत्रिय हैं तो हम भी परशुराम वंश के ब्राह्मण हैं, और परशुराम ने भूमि को कितनी बार क्षत्रिय विहीन किया था ये बताने की हमको जरूरत नहीं। आपका समय समाप्त हो चुका है, दो चुनाव आप हार चुके हैं। अब आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और कुछ? भोला केवट नाम है हमारा। पप्पू चौधरी से लेकर भूषण सिंह ने हमारी ही बंदूक का लोहा खाया है, निशाना चूकता नहीं हमारा। एक और रजवाड़े को इतिहास बनाने में सकुचाएंगे नहीं हम। अरे फिर आ गया, फिर मारेगा हाँ? मार मार माधरचोद मार हाँ? जवानी का जांगर है ना, ताकत है, मार, निकाल गुस्सा हमरा ऊपर निकाल। अपन असली बाप के सामने तो हिम्मत नहीं बा, वहां जाके हाक देबे। हिजड़ा साला नपुंसक। सुन बापू, हिजड़ा नहीं है हम, नपुंसक नहीं। आज उस राजा की हवेली में घुसकर उस
के बराबर की गद्दी पे बैठकर उसकी आंख में आंख गाड़कर उसको धमका कर आए हैं, उसको निर्बंध कर देंगे कहकर आए हैं, और वो कुछ नहीं कर पाया। गांड फट गई होकर बस बस हमको देखता रहा। हिजड़ा वो है, नामर्द वो है बापू। हिजड़ा साला नपुंसक। नामर्द वो है बापू, साला। बोला बोला ध्यान से सुनो, किसी भी साम्राज्य की नींव उसके योग्य व्यक्तियों की निष्ठा और संतुष्टि पर टिकी होती है। आज राजा साहब को धमका कर तुम जिस आनंद का अनुभव कर रहे हो, वो हमारा यानी त्रिपाठी का पुरस्कार है अपने योग्यतम सिपाही के लिए, तुम्हारे लिए। एक बात और, प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या हर व्यक्ति के मन में होती है। ये बातें भास्कर या लोचन के सामने नहीं हो सकती, इसीलिए आज यहां एकांत में इस तरह और हां, चिंता मत करना, तुम्हारा ये राज सदैव हमारे पास सुरक्षित रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। भोला और लोचन को रोकने वाला कोई नहीं क्या? एक साथ इतनी ज्यादा ताकत, ये अच्छा नहीं है। ज्यादा इकट्ठा की हुई ताकत खुद के लिए भी घातक साबित हो सकती है। इंतजार करो। होली के अगले दिन साहब काशी जाएंगे। दिन दहाड़े गदुलिया चौराहे पर गोलियां बरसेंगी, उसी का फायदा उठाकर तुम पीछे से साहब को और हम भास्कर और प्रभाकर को निपटा देंगे। भैया बाहर से गोली कौन बरसाएगा? इस साजिश में हमारे साथ और कौन कौन है? हर बात जानना जरूरी नहीं है बुला, समय का इंतजार करो। तुम चूकना मत। धीरे सीधे रहे। अब की बार होली गाढ़े रंग से खेली जाएगी। फंगो की टोली होली होली अरे यूपी की होली, यूपी की होली खेले द फंगो की टोली। खेले द फंगो की टोली भैया, खेले द फंगो की टोली।
यही पे, दुनिया के सारे भीषण यही पे। लाठी चले चले खिचड़ कहीं पे, दुनिया के सारे भीषण यही पे। पल भर में चल जाए, पल भर में चल जाए, अरे पल भर में चल जाए, गोली रे गोली खेले दबंगों की टोली। अरे पल भर में चल जाए, गोली रे गोली खेले दबंगों की टोली। ए भोला, जाते जाते त्रिपाठी जी एक और एहसान लाद गए। कैसा एहसान भैया? बड़ा बोझ था रे। अरे यहाँ नहीं, यहाँ बड़ा बोझ था। सब खाली करा है। का भैया? ए बोला, एक बात कहें, ये मुंबई की रांडे बड़ी फुर्त होती और यहाँ वाली अकेले बसते रहो बसते रहो। ए बोला, जा जा, तू भी हल्का बोले, जा जा जा। अरे नहीं भैया, गुलामी की आखिरी रात है भैया, आज होश नहीं खोना है। पहले बताए होते तो भाई इसको अब देखने आ जाते। भाई इसको अब देखेगा, करेगा कुछ भी नहीं है। ए बोला, पिंजरा तोड़ के उड़ने का वक्त आ गया है भैया। इच्छा हो तो पिंजरा भी टूट जाता है और पंख भी निकल आते हैं। इच्छा तो हम में पूरी है बोला, बस बोला तुम्हारी बंदूक चलनी चाहिए। भैया ये भोला केवट की बंदूक है, किसी नपुंसक का लिंग नहीं। ये उठेगी भी और चलेगी भी। वाह भोला, शाबाश, वाह क्या भोला है रे। और पंख हमको दिए हैं राजा साहब, वो बाहर से हमला करेंगे और हम लोग अंदर से त्रिपाठी का राम नाम सत्य कर देंगे। राजा साहब, कि हम के बम बई, हम के बम बई सहरिया घुमा द मोरे नेताजी, उठे लहरिया मनमा में हमके। लेकिन ये बात हमको आप पहले नहीं बताया भैया। बस फिर वही लड़चटाई वाली बात कर रहा है, पहले नहीं बताए, सब चीज जानना जरूरी है का बोला। आए? देख बोला, अब हम तुमको ये भी तो नहीं बताए हैं ना कि इस इलाके में राजा साहब और हमारी बिरादरी का वोट सबसे ज्यादा है, समझे? और वफादारी देखो हमारी, त्रिपाठी को कहां मार रहे हैं तो काशी में, तुरंत मोक्ष मिलेगा, तुरंत मोक्ष। आप भैया क्या कर रहे हैं, नशे में धुत हैं आप भैया, बस करिए। नशे में कोई सुन लेगा तो? अरे कौन सुन लेगा, सब साला भांग के नशे में धुत पड़े,
देख बोला चाहे ना तो अभी अभी जाके साहब को क्या कर रहे भैया, बंदूक तो उठाई नहीं जा रही, खड़े तो हो नहीं पा रहे हैं आप, चलिए कोई सोनू लिया तो गड़बड़ नहीं, कहाँ सुन लिया, नहीं नहीं चले 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 हमी उठिए समारे सारे अरे आवाज नहीं करी हमको शांत भैया राजा साहब का समर्थन त्रिपाठी है उठे लहरिया मनवा में बोला गाड़ी काहे रोक दी रे, हाँ गाड़ी काहे रोक दी, अच्छी होती है भैया हर चीज जानना जरूरी होता है भैया, हम राजा साहब की नाजायज औलाद है, राजा साहब की नाजायज औलाद है भैया, मधुच्युत नमोकरम नमोकरम मर की औलाद राजा साहब की नाजायज औलाद ना लोचन को मार दिया, मार दिए हम लोचन को, क्यों हमको चुनाव करना था, आप ये लोचन मनुष्य अपनी असीमित इच्छाओं का शिकार अपनी मृत्यु का वरण खुद ही कर लेता है, खैर लोचन अपना काम कर गया, हमारा उत्तराधिकारी देने का काम, आदि अवय वरदा पूर्णमय अनाथं चानाथा
कानून चाहे जितना भी सख्त हो, उसे लागू इंसान करता है, और इंसान हमेशा कमजोर होता है। भेद, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का भेद, जब तक रहेगा भेद, शासन करेगा इंसान। मिट गया भेद, हो गए एक, तो राजा सिर्फ भगवान। जिसके मन में न किसी का मोह हो, न किसी का भय, वो कुछ भी कर सकता है। अब मेरा नाम सिर्फ दहशत से नहीं, इज्जत से भी लिया जाता है। भोला केवट, भोला केवट प्रदेश के हर बड़े मौके और हर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है। नौजवानों का मसीहा है। कहते हैं चली हुई गोली से बड़ी कोई विचारधारा नहीं। आज मेरा नाम इसी विचारधारा पे टिका है। बिरादरी के बाहर की ऐसी लौंडिया से शादी करके ले आए जिसे बचाना और छुपाना भी मुश्किल है। ऊपर से दो बार उसे बेच भी चुके हो, काहे नहीं भागेगी? नामर्द मादरचोद, काका चुप। पूरे इलाके में दबदबा और इज्जत है अपनी बिरादरी की, तुमने इस सब पर बट्टा मार दिया। लेकिन इस कुतिया को भी सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो बिरादरी की हर लौंडिया मुंह में मूत के चली जाएगी। हरामजादी, गूंगी बहरी होने के बावजूद इसे अपने रूप का बड़ा घमंड है। मारने लटकाने से कुछ नहीं होगा, तेजाब फेंक कर चेहरा जला दो इस छिनाल का, ताकि बाहर के मर्द को देखने से पहले बिरादरी की औरतों की रूह कांप जाए। लाओ तेजाब। कहां है तेजाब? मुंह का देख रहे हो? तेजाब लेकर आओ, लाओ तेजाब। मुखिया जी, ये तो भोला केवट की रखेल है। अरे का फतमोल लाए हो? ई भोला केवट की रखैल है। अरे भोला केवट की रखैल, अरे कहां फंसा दिया हमको? चलो सब चलो चलो। Thank you.
नाक कान काट लो इसके। तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए माफ कर रहा हूं माधरचोत। हम आदमी मारते हैं, वोट बैंक नहीं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अपनी बलि तो हम दे नहीं सकते, मूल्य तो चुकाना ही था। क्या भोला केवट? दिया और तनवीर खान। क्या जी ने बीड़ा भेजा है भोला केवट का। बार भी हर साल की तरह रामलीला में हंगामा मचा दोगे, फाड़ दोगे पंडाल। तुम बहुत अच्छा है, क्या करोगे दिखाओ ना। ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हो लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। Thank you.
हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल पूजित केशा। जाती दुश्मनी नहीं थी तुमसे, oh।
पहले हथियार खत्म होगा और बाद में उसे चलाने वाला हाथ भोला का मरना तय है। जरूर मरेगा। गांड में लगेगी गोली और लाश की लगेगी बोली। माधरचोद, जैसे हजारों शुक्राणुओं में से एक अपने लक्ष्य को भेदता है, वैसे लाखों करोड़ों भोला और लोचन में से एक त्रिपाठी निकलता है। कैसे कहे ये करुण वेदना, शून्य कोशिका शून्य चेतना, कैसे कहे ये करुण वेदना, शून्य कोशिका शून्य चेतना, विकट धूप से झुलसा जीवन, विकट धूप से झुलसा जीवन, जाने क्यों ये सांझ न ढलती। मृग कृष्णा मरुस्थल की, जीवन मरण के बीच में सांस, जीवन मरण के बीच में सांस, कभी है गिरती कभी संभलती। मृग कृष्णा मरुस्थल की,
केवट किसी भी कीमत पे चाहिए। जब कोई बड़ा पेड़ गिरे तो उसकी छाया में रहने वालों को अपनी और सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। लाल लाल लंबिता प्रचंड देह वज्र है, रण में जैसे यम कोई संहार यज्ञ है, आरूढ़ अस्त्र है अदम्य चपदम की साधना, रहू लुहार लक्ष्य भी कर रहा सराहना, कितने केश काट कर कटार कर गई कहर, देख वीर वीरता भाई की दौड़ती लहर, देख वीर वीरता भाई की दौड़ती लहर, तभी है दामिनी पाम कर में नाल है, कर्म सार से पक्षी विशाल है, गज गरज गरुड़ गति मेघ सिललकार है, रक्त रंज तृण रचे ऐसा रचनाकार है, वरण यूं है वीर गति वरदान जैसे कोई, आन पे अमृत्व का अरमान जैसे कोई, आन पे अमृत्व का अरमान जैसे कोई। हम अपन वादा पूरा किए। इस चुनाव में त्रिपाठी की खाली हुई सीट से हमारी पार्टी का टिकट कंफर्म समझो, लेकिन हमारी और तुम्हारी इस नई दोस्ती की उम्र सीधे तौर से दो बातों पे टिकी हुई है, हमारे लिए तुम्हारी वफादारी और चुनाव में तुम्हारी जीत। बेस्ट ऑफ लक। परिदृश्य है यू सिंहासन सज रहा, कुछ प्रलम प्रभात सा को धाम सज रहा, चाल चलत चरमराए धर्म चलत पाद का, दृष्टि संग था मही मान मुख प्यार का, है भला जो कौन हो आगे इनके पैर में, निश्चय अगर आकाश में अपनी खैर ले। देखो भैया, सिर्फ दो महीने की बात है, दो महीने में ये चीफ जस्टिस चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, जेल मंत्री अपने हैं, सारी सुविधाएं होंगी जेल में, सरकार मजबूर है, मीडिया का भी दबाव है, चीफ जस्टिस ने तो एसपी डीजीपी यहां तक के गृह मंत्री से भी पूछ लिया, जिस शख्स के खिलाफ 5 साल से वारंट है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। हमको कानून का पाठ मत पढ़ाइए, इस प्रदेश में सबसे बड़े अंतर से जीत के आए हैं हम, 12 विधायक हमारे साथ हैं और विपक्षी पार्टी का न्योता भी, अब आपकी और हमारी दोस्ती और ये अल्पमत सरकार इस बात पर टिकी है कि इस चीफ जस्टिस का आप लोग कुछ कर पाते हैं कि नहीं। कुछ लोग मुझे एक राक्षस मानते हैं, लेकिन मुझे देवता मानने वालों की भी कमी नहीं है। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, और यही लोग मेरा बल है जो मेरी सफलता में अपना इंसाफ पाते हैं। माधवचोद सोचता है 12 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बन जाएगा। बड़े शहरों में जलने वाली मोमबत्तियों की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती। संभावनाओं को खोजना कोई अपराध तो नहीं। मुझे मालूम है कि किसी एक गोली पे मेरा नाम लिखा है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं। कितने लोग होते हैं जो जिंदगी को जीतते हैं और अपनी मौत को खुद चुनते हैं। उठाई है बंदूक तो फिर अब सोच कर तू क्या पाएगा, दुनिया की ऐसी की तैसी, डोंट वरी साला जो होगा देखा जाएगा। अरे उठाई है बंदूक तो फिर अब सोच कर तू क्या पाएगा, दुनिया की ऐसी की तैसी, डोंट वरी साला जो होगा देखा जाएगा।
कि यूपी में चलती, कि एमपी में चलती, अरे यूपी में चलती, कि एमपी में चलती, अरे चलती बिहार दिन दहाड़े में, अरे चलती बिहार दिन दहाड़े में, अरे तू भी चला ले ही घोड़ा ए बबुआ, दम हो अगर पिछवाड़े में, अरे तू भी चला ले ही घोड़ा ए बबुआ, दम हो अगर पिछवाड़े में, अरे दम हो अगर पिछवाड़े में, अरे दम हो अगर पिछवाड़े में, अरे तू भी चला ले ही घोड़ा ए बबुआ, दम हो अगर पिछवाड़े में। दारू भट्टी रगड़म पट्टी मान मेरी।